तो करेंगे एक और बड़ी खबर का जो बीजापुर से मिल रही है, जहां नक्सलियों ने जन अदालत में चार लोगों की हत्या की और पुलिस मुखबिरी के शक में हत्या की आशंका जताई जा रही है। कुल 25 लोगों का नक्सलियों ने अगवा किया था और पुसनार और मीठापाल के दो दो लोगों की निर्मम हत्या की गई है। मृतकों के शव अभी भी घटनास्थल पर हैं और नक्सली दहशत से पीड़ितों ने अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है और गंगालोर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो जहां नक्सलियों की दहशत लगातार जारी है, बीजापुर से मामला सामने आया है, नक्सलियों ने जन अदालत में चार लोगों को मौत के घाट उतार दिया और साथ ही पुसनार और मीठापाल के दो दो लोगों को भी इसमें शामिल किया गया और लगातार जो नक्सलियों का कहर है वो देखा जा रहा है। और एक बार फिर से मामला सामने आया है बीजापुर से, जहां पर चार लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता पवन दुर्गम जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? हाँ जी, आपको बता दूं, ये गंगालोर थाना क्षेत्र का पूरा इलाका है जो नक्सलियों की पैठ वाला इलाका माना जाता है। कल मीठापाल और पुसनार के 25 से ज्यादा ग्रामीण है उनको नक्सली अपने साथ ले गए, जिसमें से जन अदालत लगाकर चार लोगों की हत्या की गई है। जिन चार लोगों की हत्या की गई है, बताया जा रहा है उन पर पुलिस के मुखबिर होने का शक था, जिसकी वजह से इनकी हत्या की गई है। पूरा क्षेत्र जो है और परिजन जो है पीड़ित के परिजन जो है पीड़ितों के, वो अब तक पुलिस के पास सूचना देने नहीं जा पाए हैं। कोई प्राथमिकी इसमें दर्ज नहीं की गई है। अब पुलिस भी प्रयास करेगी कि किसी तरीके से उन मृतक जो ग्रामीण है उनके शवों को लाया जाए, उनका पोस्टमार्टम किया जाए और उनको दफनाया जाए। बिल्कुल पवन, और 25 लोगों को अगवा किया था, बाकी लोगों की क्या जानकारी अभी तक पुलिस के हाथ लगी है? जी देखिए, जन अदालत में उन्हीं लोगों पर कार्रवाई नक्सली करते हैं आमतौर पर, जिन पर आरोप होते हैं कि वो पुलिस की मुखबिरी करते हैं या नक्सलियों के खिलाफ काम करते हैं। पुलिस के जो आला अधिकारी है SP बीजापुर कमलोचन कश्यप से हमारी बात हुई, तो उनका कहना था कि 3 से 4 गांव के जो लोग हैं उन लोगों को जन अदालत में नक्सलियों ने बुलाया था, जिसमें इन चार लोगों की जन अदालत में वहीं के मौके पे हत्या कर बाकी लोगों को साकुशल उनके गांव भेज दिया था। अब यहां पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती ये है कि ये पूरा इलाका जो गंगालोर थाना है वहां से करीब 10-12 किलोमीटर दूर है, नदी नाले जो उफान पर पड़ते हैं, इस वजह से फोर्स के जवान वहां पर वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं अभी, और वहां से जो ग्रामीण है या कोई सूचना वहां से निकलकर नहीं आ पाई है। इस तरीके से ऐसे इलाकों में जहां नक्सलियों की पैठ है और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, नदी नाले उफान पर है, तो वहां इंटेलिजेंस फेल हो जाता है। जी चलिए पवन, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।